हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप सभी KVSPRT इंटरव्यू की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आप सभी के लिए ये घड़ी बहुत ही प्रीशियस है, या यूँ कह लीजिए कि यही है वो पल जिसमें डिसाइड होगा कि आप टीचर बनने वाले हैं कि नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो के साथ आपके अंदर उतनी पॉजिटिव वाइब डालने वाली हूँ, उतना पॉजिटिव आप फील करेंगे कि आपका इंटरव्यू जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम मेनली इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो गया है, क्या कुछ वहाँ पूछा जा रहा है, कितनी देर तक आपका इंटरव्यू चल रहा है, एक एवरेज टाइम क्या है, कितने पैनल मेंबर्स हैं और किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी आपके बहुत सारे डाउट्स थे, उनको भी मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को आपके कवर करने की। तो सबसे पहले हम यही जो कॉमन क्वेश्चन है कि कितनी देर तक इंटरव्यू चल रहा है, ताकि आपको वो चीज़ नई ना लगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एवरेज टाइम है ना, वो 10 से 15 मिनट है। बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट है जिनको 10-15 से ज़्यादा मिनट का समय मिल रहा है अपनी बात रखने का, या मौका मिल रहा है। जो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट आ जाते हैं तो उन्हें ही मुश्किल से 15 से ज़्यादा मिनट का समय मिल रहा है, और नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 5-6 मिनट में ही उनका पूरा ओवरऑल इंटरव्यू ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि डेमो कितनी देर चल रहा है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी तक जितने कैंडिडेट्स के साथ बात हुई है मेरी, उनमें से किसी का भी डेमो पूरा नहीं देखा गया है। वो शुरुआत के 1-2 मिनट में ही अपनी बात को फाइनल करके कह देते हैं कि चलिए ठीक है, हमने देख लिया है, आ जाइए बैठ जाइए। अभी तक सभी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। और तो इसके लिए आपके लिए एक सजेशन भी है कि आप ना, आप अपने डेमो का जो बेस्ट पार्ट है, चाहे वो उसमें कोई आपकी राइम हो, या रिडल आपने सोच रखी हो, या कोई एक्टिविटी हो, पहली बात तो सबसे आसान टॉपिक चूज करके रखिए अपना, जो सबसे इजी आपको लगे, फटाफट आप करा सके। क्योंकि 5 मिनट से कम मुश्किल ही 5 मिनट का भी समय मिलेगा आपको अपनी डेमो देने का, नहीं तो उससे पहले ही बुला लिया जा रहा है, और आपको उसके लिए परेशान भी नहीं होना, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपकी डेमो का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है उसको लास्ट में बताने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, शुरुआत ही वहीं से करनी है जो आपके पास बेस्ट है, ठीक है। दूसरा, बोर्ड एंट्रीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। बोर्ड एंट्रीज करने में वो नहीं रोक रहे हैं, प्रॉपर करने का समय दे रहे हैं कि हाँ बोर्ड एंट्रीज कर रहा है, हर एक चीज़ आपकी देखी जा रही है कि सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं, टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, और खासकर वो टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस आप करते हैं वही देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके बायोडाटा की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से कहाँ से बन रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन या फिर उसके बाद अगर आपने DLED के अलावा या JBT के अलावा कुछ किया हुआ है, तो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ा फोकस आप रखिएगा। ओवर व्यू आपको होना चाहिए कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है। दूसरा, आपकी हॉबीज़ से सवाल बिल्कुल बन रहा है, हॉबीज़ कैसे टीचिंग लर्निंग में काम आती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर कोई थोड़ी बहुत कमी भी है, तो बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहा है जितने भी वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ भी हो रहा है, तो बहुत अच्छे से सबको जो है टाइम दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चल जाएगी, आप ऐसे कर सकते हो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जा रही है। तो आप पैनिक नहीं होना अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, बल्कि उसके सॉल्यूशन में लगना, ठीक है, बिना घबराए। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ज़्यादा वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे, और आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बनना है, अपनी जो भी सबसे बेहतर चीज़ है वही बतानी है। और भी मैं देख लेती हूँ, हाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बायलिंगुअल चल रहा है हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, चंडीगढ़ हो। मुंबई वाले कैंडिडेट से अभी मेरी बात नहीं हुई है, होते ही मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वहाँ क्या हालचाल है। तो आपके बाकी सब जगह बायलिंगुअल है, चाहे वो देहरादून की बात कर लो, चंडीगढ़ हो, सॉरी दिल्ली हो, नोएडा हो, ठीक है, इन सब जगह बायलिंगुअल आपका इंटरव्यू चल रहा है। बाकी आप अपने जो बायोडाटा है उसको बहुत ध्यान से भरिएगा, उसमें से भी क्वेश्चन, जो आपका अचीवमेंट कॉलम है वहाँ से भी पूछा जा रहा है, आप कुछ नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ओके।
और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसको ज़रूर देखना, वहाँ से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन वो हर कैंडिडेट से कुछ ना कुछ पूछ ही रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, उनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से कैसे आप करेंगे। इसके अलावा आप कोशिश करिएगा कि आप अपने डेमो में पोएम ही रखें, ताकि अगर आप अच्छा गाते हैं तो फिर तो ज़रूर रखिए कि उनको एक अच्छा एक माहौल मिले क्लासरूम में, मज़ा आए उनको सुनने में, क्योंकि वो अलग अलग चैप्टर सुन के बोर हो चुके होते हैं कि फ्रैक्शन पढ़ा दिया, एलसीएम पढ़ा दिया, एचसीएफ पढ़ा दिया, ये चैप्टर है ना, तो आप कुछ फन लाने की कोशिश करिएगा तो आप थोड़ा अलग दिखोगे। और बाकी मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ रहेगी, आप बढ़िया तरीके से बिना किसी हिचक के बिना किसी डर के अपना इंटरव्यू दीजिएगा। और ज़रूरी हाँ, अगर आप अपना भी रिव्यू शेयर करना चाहते हैं चैनल पर, तो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर दिया है, आप भी अपने इंटरव्यू के बाद मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दो।